दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। कल से खत्म होगी शनि की ढैया, इन पांच राशियों को मिलेगी अपार खुशियां। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता बताया गया है। ऐसा बताया जाता है कि शनिदेव मनुष्य को उनके कर्मों के हिसाब से शुभ और अशुभ फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की शुभ स्थिति है तो उसकी वजह से उस व्यक्ति को अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति का जीवन हंसी खुशी में व्यतीत होता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति होती है तो उसकी वजह से जीवन में एक के बाद एक कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति को अपने कामकाज में सफलता नहीं मिलती, किसी न किसी वजह से अक्सर वह व्यक्ति परेशान रहता है। शनिदेव की चाल बहुत ही धीमी होती है। यह एक राशि से दूसरी राशि में अपना स्थान बदलने में 2.5 वर्ष लगा देते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति की राशि में शनिदेव की उपस्थिति है तो 2.5 वर्षों तक उसका प्रभाव बना रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी इंसान के ऊपर शनि की महादशा 7.5 और शनि ढैया का प्रभाव है तो जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों अब आपके ऊपर शनि भारी है या नहीं, इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिसकी सहायता से आप इस बात को जान सकते हैं। आपको हम बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के ऊपर शनि भारी रहता है उन लोगों के सिर के बाल गिरने लगते हैं। ऐसे संकेत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर शनि की छाया पड़नी शुरू हो चुकी है। अगर आपको अपने जीवन में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो तुरंत आप शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय कीजिए। दोस्तों शनि अशुभ की वजह से व्यक्ति गलत कामों की तरफ जाने लगता है, व्यवहार में उसके बदलाव आ जाता है, मन में उसके कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, व्यक्ति को किसी न किसी से नुकसान का सामना करना पड़ता है। शनि भारी होने पर व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है, शरीर में आलस्य भर जाता है, व्यक्ति में काम को टालने की आदत होने लगती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति शनि के खराब होने से वह काम काज में उसके बाधाएं आती है और व्यक्ति का मूड यानी कि मानसिक चिंताओं में बदल जाता है। कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने लगती है, बनता बनता काम भी बिगड़ जाता है। शनि खराब होने की वजह से स्वभाव में नकारात्मकता देखने को मिलती है। बाल नाखून दाढ़ी हमेशा बड़े होते हैं। इंसान की रुचि मांस मदिरा खाने पीने में अधिक होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शनि का अशुभ प्रभाव है तो इसकी वजह से उसके जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं, घर की दीवार अचानक से गिर जाती है, पालतू जानवर की अचानक मृत्यु हो जाती है, इंसान नौकरी या फिर बिजनेस को लेकर अधिक परेशान होने लगता है। दोस्तों अगर आपको अपने जीवन में इस तरह के संकेत नजर आते हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही आसान से उपाय दिए गए हैं, जिनमें हनुमान जी की उपासना, शनि चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शनि अष्टक का पाठ, सूर्यदेव की उपासना, पीपल के वृक्ष का पूजन, काले घोड़े की नाल वाली अंगूठी धारण करना आदि प्रमुख हैं। शनिदेव से संबंधित मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि शिराय नमः, इस मंत्र को कम से कम 5 बार जाप करें। इनसे शनिदेव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ शनि प्रसन्न मंत्र भी आप यानी कि उनका स्त्रोत भी आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप रोजाना 3 बार शनि के स्त्रोत का जाप करते हैं, ऐसा करने से शनिदेव उस व्यक्ति पर भगवान शनिदेव की अपार कृपा निरंतर बनी रहती है। दोस्तों यदि आप इनमें से कोई भी उपाय निरंतर अपने जीवन में करते हैं तो भगवान शनिदेव की अपार कृपा आप पर बन जाती है और इससे आप बहुत कम मेहनत किए बिना ही अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है और हर कोई यही चाहता है कि उस पर माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा बनी रहे, जिससे उसके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी ना रहे। इसी क्रम में ज्योतिष की मत के अनुसार ग्रहों की चाल के कारण से ऐसे संयोग बन रहे हैं कल सुबह से कि माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव एक साथ प्रसन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ राशियों की अब किस्मत कल से चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन राशि वालों के बारे में
होने वाले लाभ के बारे में, फायदे के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय 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 शनिदेव। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सबसे पहले बरसे। दोस्तों सबसे पहली राशि है मेष राशि। बताना चाहेंगे कि मेष राशि वाले व्यक्तियों का बुरा समय अब खत्म हो चुका है। इस राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर शनिदेव मेहरबान अब रहने वाले हैं। इस राशि वाले व्यक्ति को मान सम्मान की अब प्राप्ति होगी। आने वाले समय में आपको सफलता हासिल होने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अब छुटकारा मिलेगा। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। घर परिवार में आपको खुशियों का वातावरण बना रहेगा। दोस्तों अगली जो राशि आती है वो है तुला राशि। बताना चाहेंगे कि तुला राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर भगवान शनि महाराज की कृपा दृष्टि लगातार रहने वाली है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही थी उन सभी समस्याओं का अब अंत होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको आने वाला समय आपका अचानक अच्छा लाभ प्राप्त कराएगा। आपको अपने कुछ दोस्तों से मुनाफा मिल सकता है। अधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के पदोन्नत होने की संभावना बनी है। दोस्तों अब अगली जो राशि आती है वह है मकर राशि। इस राशि के अंतर्गत आने वाले लोगों के आने वाले समय बहुत अच्छे रहेंगे। मनचाही नौकरी मिलेगी। साथ ही कामकाज में आपको अटके हुए जो कामकाज थे वो पूरे होंगे और अब आपके जीवन में कई प्रकार के जो कष्ट थे वो सब कष्ट दूर होंगे और भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में तेजी से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बताना चाहेंगे कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपके कार्यों की चारों तरफ से जमकर तारीफ होगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनके नौकरी में प्रमोशन के साथ वेतन के वृद्धि के योग बने रहेंगे। बताना चाहेंगे कि भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से अत्यंत लाभकारी समय होने वाला है। आपको बता दें कि जो लोग व्यवसाय करते हैं उनको व्यवसाय में लाभ होगा। अगली जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के आपको बताना चाहेंगे कि अब भगवान शनिदेव की कृपा से आपको अधिक धन की प्राप्ति होगी। साथ ही किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए कार्य का विचार कर सकते हैं जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध साबित होगा। नौकरी पेशा वाले जातकों को विशेष लाभ होगा। साथ ही बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलेगी। बस आप अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखिएगा, अन्यथा आपके बनते बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं। बताना चाहेंगे कि आपको चारों तरफ से इस बार यानी कि लाभ होगा और भगवान शनिदेव की कृपा से आपको खुशियां मिलेंगी। संतान की प्राप्ति होगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। सोच समझकर निवेश करें, आपको लाभ जरूर होगा। भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी कृपा से कई बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, अच्छे योग बनेंगे। अगली जो राशि आती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आपको नौकरी में पदोन्नत के साथ साथ वेतन की वृद्धि की संभावना है। भगवान शनिदेव की कृपा से इस दौरान आप धन के स्रोत बढ़ेंगे और निवेश करने पर विचार कर रहे हैं तो निवेश करके अच्छा खासा लाभ भी कमा सकते हैं। हालांकि आप किसी यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। यात्रा आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली शुभ साबित होगी। यात्रा आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगी। बताना चाहेंगे कि कन्या राशि के जातकों के ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी। खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा, अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। चारों तरफ से धन की इनकम बढ़ेगी। व्यापार में लाभ होगा। अब आकस्मिक धन का लाभ होगा। अगली जो राशि आती है वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों, बताना चाहेंगे कि अब आपके ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा बरसेगी। सुख समृद्धि आएगी। नौकरी में प्रमोशन, धन लाभ मिलेगा। सामाजिक क्षेत्रों में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कई बड़े लाभ मिलेंगे और रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। रातों रात किस्मत पलट जाएगी आपकी। बताना चाहेंगे कि इनकम तेजी से बढ़ेगा और घर परिवार में माता पिता का सपोर्ट, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही सरकारी गवर्नमेंट क्षेत्र में लाभ मिलेगा और कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। अनेक क्षेत्रों से लाभ होगा। इनकम में तेजी से वृद्धि होगी। अनेक क्षेत्रों से लाभ होगा। अब अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को बता दें कि अब इनकम तेजी से बढ़ेगी। भगवान शनिदेव की कृपा से अपार धन का लाभ होगा। नए क्षेत्रों में आप व्यापार कर सकते हैं, पार्टनर में करते हैं तो लाभ होगा और इसमें पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। संतान की प्राप्ति
प्रेमी जोड़े के लिए बहुत अच्छा रहेगा यह समय, विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा। जमकर आप शिक्षा में आपका मन लगेगा और विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश से भी अच्छा खासा धन लाभ कमा सकते हैं। चारों दिशाओं से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी भगवान शनिदेव की कृपा से। तो दोस्तों, इन राशियों पर भगवान शनिदेव की कृपा अब कल से होने वाली है। जिनके जीवन के किसी भी प्रकार के दुख संकट और कष्ट सब भगवान शनिदेव दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा जय 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 शनिदेव। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जय शनिदेव।